और जो साजा हैं ये हमारे कौम के बच्चों के मामार भी होते हैं। तो सवाल सर मैं यहाँ पे ये करना चाहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान, आपको लगता है कि हमारे जो टीचर्स हैं उनको ठीक रोज़गार फराहम कर रही है स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे? क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली जो हमें करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब एक बंदा 100 रुपये कमा रहा है तो समझे कि मैं 80 रुपये कमा रहा हूँ, तो 80 रुपये में बजट बनाए और अपने आप को मेंटेन करे और अपना बजट जो है ना उसके ऊपर ही वो रिलाई करे, और 20 जो है वो सेविंग की तरफ जाए। डेफिनेट किसी इमरजेंसी में जरूरत पड़ सकती है, नो डाउट कि ये ग्लोबली ऐसे हो रहा है कि आजकल तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और रिसेशन भी चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, नो डाउट। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें जो अपना बजट है ना उसको मैनेज करना चाहिए, और जितने हमारे रिसोर्स दिए जा रहे हैं उन रिसोर्स के अंदर ही हमें जो भी हमारी चीज़ें हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उनको पूरा करनी चाहिए। हमें किफ़ायत शहरी करनी चाहिए। हम बेसिकली लोगों को देखते हैं, जो बड़ी गाड़ी है मेरे पास छोटी गाड़ी है, मैंने वाले को छोटी गाड़ी भी काम कर रही है, किसी का मोटरसाइकिल है साइकिल है, तो हमारी जो ना रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही है। हमारा छोटा घर है या बड़ा होना चाहिए तो ये हमने खुद बनाई हुई है। बेसिक नेसेसिटीज अगर आपकी पूरी हो रही है दैट्स गुड। अगर आप छोटे से बड़े घर में जा रहे हैं, छोटी से बड़ी गाड़ी में जा रहे हैं, तो ये बेसिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि ये लग्जरीज है। ये भी है कि हम ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, हमारे पास एक घर में 4-4 गाड़ियाँ, हम एक गाड़ी यूज़ नहीं करते। देखें मैं एक आपको एग्जाम्पल, तो जापान में दुनिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ मिलती हैं, टोयोटा और होंडा दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में, मगर जैपनीज कौम सबसे ज़्यादा जो सफ़र है ना, या तो वो साइकिल पे करते हैं या वो ट्राम में करते हैं। तो ये भी एक है कि हम अपनी जो ट्रांसपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर दो बर्डन आते हैं, एक हमारी जेब के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है, उसके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर इस सेंस में आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पेट्रोल यूज़ करते हैं। जब पेट्रोल यूज़ करता है, पेट्रोलियम तो हमारी प्रोडक्ट नहीं है, हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है, इम्पोर्ट से जो हमारे फॉरन रिजर्वायर्स हैं वो भी देना पड़ते हैं, और जिसकी वजह से पेट्रोलियम प्राइसेस भी ऊपर चली जाती हैं। तो हमें मतलब 4 गाड़ियां को एक गाड़ी में सफ़र कर सकते हैं, 2 मोटरसाइकिल वाले एक मोटरसाइकिल पर जा सकते हैं। तो या अगर किसी को इजीली एक्सेस मेट्रो इस वक्त चल रही है जिन घरों में, उनको मेट्रो यूज़ करनी चाहिए, स्पीडो भी जा रही है। तो बस हम पड़े हुए हैं स्टेटस के चक्कर में, लो जी उनके पास गाड़ी भी है पैसे भी, मगर ये सफ़र मेट्रो में कर रहे हैं। तो हम इस जब तक सिचुएशन इस प्रॉब्लम से नहीं निकल पाते ना, उस वक्त तक हम ये जो है ना किफायत शहरी की तरफ आ सकते हैं, ना हम अपना बजट को मैनेज कर सकते सर आमतौर पे ये सुना भी जाता है और देखा भी जाता है कि केमिस्ट्री प्रोफेशन से लेकर जितने भी हमारे उस्ताद हैं बड़े थोड़े से संजीदा मिजाज के हामिल होते हैं। घर में कौन सा संजीदगी का फार्मूला आप अप्लाई करते हैं, या घर में थोड़ा सा खुशोखुजू के साथ जो है आपका वक्त गुजरता है? संजीदगी या सीरियसनेस किसी सब्जेक्ट मैटर तो नहीं है, वो इंग्लिश वाला भी हो सकता है, केमिस्ट्री फिजिक्स वाला कोई भी हो सकता है। तो ये तो एक किसी भी टाइम एक कैफियत आ रही हो सकती है। बेसिकली घर में अंदर जो है ना वो केमिस्ट्री वो हमारे घर में बहुत है इंपॉर्टेंट, मेरे वालिद साहब अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, तो मुझे बड़ा मजाक करते थे केमिस्ट्री मैन है, तो घर में कभी बात करनी ना कभी ऐसी बात हो जाती है, कहते थे फैक्ट्री नहीं है तो तुझे थे रोड लॉक पा रहे हैं लोग आते। यहाँ पे एनवायरनमेंट और तरह का होता है, या आप इंडस्ट्री में होते हैं तो वहाँ पे और तरह का, वो हेड ऑफ इंडस्ट्री था, वहाँ डिफरेंट लेबर से लेके ऊपर मैनेजर स्टाफ को मैं मेरा वास्ता होता था, तो तमाम इंडस्ट्री मुझे रिपोर्ट करती थी, देन आई वाज रिपोर्टिंग टू द एमडी। तो अब यूनिवर्सिटी में आ गए, यूनिवर्सिटी में और तरह का कल्चर है, यहाँ डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, तो हमें वो फादरली रोल और मेंटोरिंग का रोल करना पड़ता है, और मैं उनको यही कहता हूँ कि सीरियसनेस होनी चाहिए मगर फन भी होना चाहिए, बगैर फन के आप सीख नहीं सकते। एक उस्ताद या एक टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स को बार बार प्रेस कर रहा है ये करो वो करो, अगर उनके साथ वो एमिकेबली नहीं है तो वो लर्न नहीं कर पाते। जहाँ तक घर की बात है तो घर में तो ये सिचुएशन नहीं होती, बच्चों के साथ मेरे वाले साहब कहते थे मुझे कि आप घर में आते तो बच्चों को पूछा करो वो क्या पढ़ रहे हैं, तो मैं उनको यही जवाब देता था सुबह स्कूल जाते हैं ट्यूशन जाते हैं, मैं भी इनको प्रेशराइज करना शुरू कर दूँ, ये ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कभी वो खुद ही जो टीचर्स उनके पढ़ा रहे हैं या उनकी वालदा उनको देख रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है, चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये बेसिकली जो शुरू में हमने बात की जो ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा रोल होता है, हमारे जॉइंट सिस्टम है आपको पता है, हमारा भी जॉइंट सिस्टम है, तो हमारे पेरेंट्स जो थे हमारी वालदा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी 78 ईयर्स ओल्ड एज है, तो अभी तहज्जुद की नमाज पढ़ती हैं, तो हमारे अपने पोते पोते हैं उनके साथ ही सोते थे, उनकी भी इसी तरह ट्रेनिंग हुई हुई है, तो ये मजाक भी चलता है। तो वाइफ के साथ तो जी बहुत एमिकेबल हूँ, और कभी मेरा नहीं ख्याल कोई जिंदगी में कोई ऐसा इशू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह के, कोई भी कोई बहुत ज़्यादा सीरियसनेस होगी तो बल्कि मजाक ही करते हैं, मजाक नहीं काम चलता। सर डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के बारे में सुनने में आता है उनको पराठा और दही बड़ी पसंद,
तो आज मेरे सामने डॉक्टर महमूद अहमद साहब बैठे हैं, तो मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि सर आपकी पसंदीदा गिज़ा क्या है और हेल्दी रहने के लिए इंसान को किस गिज़ा को अपना जो है साथी बनाना चाहिए। जी पार्टिकुलर कोई फूड की जो आपने बात की, जिस तरह डॉक्टर साहब का आपने हवाला दिया, तो मुझे तमाम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें ही पसंद है, कोई पार्टिकुलर नहीं। और मैं कभी खाने में कोई नुकसान निकालता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने में नुकसान ना निकालो, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा या कोई वजह है तो आप साइड पर कमेंट देने की ज़रूरत नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी अपने घर में बारे में कभी कमेंट्स नहीं दिए कि ऐसा था ये ऐसा था, तो सारी चीज़ें ही खा लेता हूँ। और ये बारबेक्यू में ज़्यादा स्पेशलिटी को ज़्यादा अच्छी, बस इतना ज़्यादा नहीं खाता मैं, थोड़ा खाता हूँ और मैं टाइमली खाता हूँ, असल फास्ट फूड नहीं खाता और ये जंक फूड भी नहीं खाता। सुबह नाश्ता टाइम पे करना है, फिर लंच टाइम पे है, उसके बाद एक 24 आवर में एक दफ़ा चाय पीता हूँ, एक दफ़ा लंच के बाद मैं ग्रीन टी पीता हूँ, उसके बाद डिनर है, फिर तो शाम को मैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज का फार्मूला को देखते हुए मैं वही काम करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, मैं कुरान पढ़ता हूँ, ये मेरी लाइफ का हिस्सा है। तो आजकल उधर टाइम थोड़ा होता है, एक्सरसाइज नहीं हो रही क्योंकि वो कम से कम 7 से 8 घंटे आपको सोना चाहिए। तो उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी आ जाता हूँ, यूनिवर्सिटी में यहाँ नमाज़ें पढ़ते हैं, फिर शाम को ईशा की नमाज़ पढ़ते हैं घर जाके, तो खाना खाने के बाद मैं सो जाता हूँ। तो ये मेरी रूटीन है, तो बाकी ये तो अवॉइड करना चाहिए। मैं कहता हूँ भैया कि फास्ट फूड है, जंक फूड है, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती है, या आपकी जो है ना बल्क को प्रोवाइड करता है मगर आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है, जिसकी वजह से आप नॉन हाइजीनिक कंडीशन में जो फूड बन रही है, इवन आप जहाँ बाहर निकले कॉलेज रोड पे या किसी और भी जगह पे जाएं, तो आपको कई शवारमा वाले मिल जाएंगे, कई बर्गर वाले मिल जाएंगे, मगर हाइजीनिक कंडीशन नहीं है। तो ये जो आजकल तो हमने रूटीन बनाया हुआ है, तो इस रूटीन की वजह से हमारे स्टमक के ऊपर बहुत सारा बोझ है और उसकी वजह से हमें डिफरेंट डिजीज़ होती हैं, और तमाम जो डिजीज़ हैं स्टमक से जनरेट होते हैं, फिर आगे आगे की तरफ चली जा रही हैं, क्योंकि स्टमक के अंदर जाकर जब कोई इस तरह की नॉन हाइजीनिक फूड जाती है तो वहाँ से फिर इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन इतनी डेंजरस हो जाती है कि आपको अल्सर भी हो सकता है, अगर इतनी ज़्यादा पेप्टिक अल्सर हो जाए तो वो कैंसर की तरफ भी जा सकती है। तो हमें अवॉइड करना चाहिए, बेसिकली ये रूटीन नहीं बना लेनी चाहिए कि हमारी रूटीन है बेसिकली फास्ट फूड और जंक फूड, आप खाएँ महीने में हफ्ते में एक दफ़ा खाएँ मगर, और इसके अलावा उसके साथ जंक फूड के साथ फिर हम सोडा वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो जो कि पहले हमारी बॉडी एसिडिक है उसमें फर्दर एसिडिक है। और दुनिया के अंदर कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है कि जो अल्कलाइन मीडिया में हो और ग्रो करे और कोई बीमारी आए, तो तमाम जो डिजीज़ हैं वो एसिडिक मीडिया के अंदर ही ग्रो करती हैं। तो पहले एसिडिक है हमारे, और फर्दर से ऊपर से हम एसिडी पी रहे हैं, वाटर के अंदर मिलाया कार्बोनिक एसिडी है वो, तो इससे भी अवॉइड करना चाहिए। तो ये जंक फूड और फास्ट फूड से हमें अवॉइड करना चाहिए। तो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट जो फिनोमेना है उसको प्रवेल करना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट फिनोमेना के लिए हम बेहतर ये है कि हमें जो सब्जियां हैं जो मौसम की वो खानी चाहिए, और फ्रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खाने चाहिए, क्योंकि इनके अंदर पॉलीफिनोल्स होते हैं, पॉलीफिनोल जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट फिनोमेना रखते हैं। तो बॉडी में जितना एंटीऑक्सीडेंट फिनोमेना प्रवेल करेगा और अल्लाह ताला का फजल व करम शामिल हाल हो, तो कोई बीमारी आपको नहीं लगेगी, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट जब फिनोमेना वीक हो जाता है तो डिफरेंट टाइप्स की बीमारियां जो होती हैं बॉडी में ग्रो करती हैं। सर मैं ये पूछना था आपसे कि दौरे हाजिर के अंदर केमिस्ट्री का जो इलम है उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आप एफिलिएशन किस तरह देखते हैं, और इन फ्यूचर के आपके कोई इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिलाप से कोई चीज़ आप देख रहे हो, प्लीज इस पे आप जरा थोड़ा समझना। बेसिकली जो केमिस्ट्री है ना ये मदर ऑफ ऑल बेसिक साइंसेज है, तमाम जो साइंसेज हैं वहीं से स्टार्ट होती हैं। तो केमिस्ट्री तो बेशुमार फील्ड्स हैं इसके, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल है, इंडस्ट्री है, पेंट है, इंडस्ट्रीज के अंदर जो है ना केमिस्ट्री का रोल है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप डिफरेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि ड्रग डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कि आप लैब में जाने से पहले केमिकल ढूंढते हैं, चीज़ों को सर्च करते हैं, उनके रिएक्शन करवाते हैं, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं नए कंपाउंड बन जाते हैं, और जिस थेरापेटिक टारगेट के ऊपर उनको ट्राई करना चाहते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये एक मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे रहा हूँ, तो नए मॉलिक्यूल बनाने के लिए उनकी एप्लीकेशन सेंसर्स हो सकती हैं, मतलब पेंट्स में यूज़ हो सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के केमिकल। आजकल तो पेंट्स आ रहे हैं जो एंटी बैक्टीरियल पेंट्स हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं, तो उनको बनाने से पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प आउट कर मदद ले सकते हैं कि हम केमिस्ट्री में कौन से नए मॉलिक्यूल बनाएं और जो हमारे टारगेट्स हैं उनके ऊपर वो पूरा पूरा उतरें। सर वालिद साहब के अलावा किसी ऐसे मेंटोर का या किसी ऐसे इंसान का आप हमें बताना चाहिए जिन
की वजह से आप और जिंदगी के इस मुकाम पे सर मौजूद है। मेंटोर की बात की तो ये मैं अभी भी बिलीव करता हूँ इस बात के ऊपर कि जो मेंटोर होता है ना वो आपके पेरेंट्स ही होते हैं। हमारा सिस्टम जरा एजुकेशन का और आजकल आप देखें कि एजुकेशन के अंदर वो नर्सरी प्रेप और 1-2 शुरू करते हैं और इतनी बड़ी बुक्स देते हैं, जबकि इंटरनेशनली ऐसे नहीं होता। दुनिया में बड़े बड़े सिस्टम है, फिनलैंड का सिस्टम है या जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है या सिंगापुर का है, जापानी सिस्टम है। तो बेसिक जो आपकी तरबियत और एजुकेशन होती है वो आपके पेरेंट्स ही करते हैं, वही मेंटोर होते हैं। इसमें हमारी वालदा का बहुत बड़ा रोल है जी। तो हमारी वालदा ने जितना भी, फॉर एग्जांपल हम लाहौर पढ़ने के लिए आते थे तो हमें दरवाजे से दूर तक देखती होती थी कि मेरे बच्चे कहाँ पे पहुँच गए, मुड़ गए, तो वो दरवाजे में खड़ी रहती थी। इसके अलावा आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो हयात है, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, लंबी जिंदगी दे। तो आज ही हमारे खाने पीने का वो खुद बंदोबस्त करती हैं। तो वो कोई मेजर नहीं याद को जब हम लाहौर पढ़ने के लिए आते थे कोई ऐसा दिन हो को हम बगैर नाश्ते के आए, तो हमारे सुबह आने का जी आप हैरान होंगे टाइम होता था 4। आज मुझे याद है 4:50 जो 50 मिनट वाली गाड़ी होती थी उस पर हम आते थे। इसमें तो रोल पे जो मेंटोरिंग का है तो पेरेंट्स का होता है। बाकी फिर अब कॉलेज में आते हैं, यूनिवर्सिटी या प्राइमरी से स्टार्ट करते हैं, वहाँ आपको अच्छे टीचर्स हमें मिले, उन्होंने सारी चीज़ें बताई, तो इस तरह उनका जो एक मेंटोरिंग का जो हमारा रोल है ना तो वो डेफिनेट हुआ। फिर कॉलेज में अच्छे उस्ताद मिले, यूनिवर्सिटी में मिले, फिर आगे खुद हमने बहुत सारी, मैंने ज़ाती सेहत में बहुत सर्च की, बहुत ज़्यादा मैं आज भी काम करता हूँ, सर्च करता हूँ, और मैंने 20+ ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस हो गया, मैं 8-to-8 काम करता हूँ। तो आज भी मैं बहुत सारा जो दुनिया में रिसेंट रिसर्च हो रही है उसको देखता हूँ अपने फील्ड के अंदर, केमिस्ट्री में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आजकल तो कंप्यूटर में हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, और फिर जो हमारे ब्रेन का जो डाटा है हम उसको खुद इंटीग्रेट कर रहे हैं, अल्लाह ताला का फजल है, फिर हम चीज़ों को, फिर नई चीज़ों को ऐड करते हैं। तो यही है कि हमारा मेंटोरिंग।